नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभि और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ एक फ़ोन जो आपको 250 से लेकर 300 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। दोस्तों, स्टार्टिंग में इस फ़ोन को बाय करने में मुझे थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि फ्रीडम 251 जैसे अगर मैंने इस फ़ोन में पैसे भर दिए और अगर मुझे ये फ़ोन डिलीवर नहीं हुआ तो। पर नहीं दोस्तों, मैंने इसमें पैसे भरे और DT कंपनी ने मुझे ये फ़ोन सक्सेसफुली डिलीवर किया है। तो आइए देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। दोस्तों, तो ये है डिटेल D1 फ़ोन जो आपको 250 से लेकर 300 रुपये की प्राइस रेंज में मिल जाएगा। तो मैंने इसको ख़रीदा है 300 रुपये में। जैसे आप देख सकते हो, ये बिल यहाँ पे मेंशन किया है डिटेल फीचर्ड फ़ोन D1 ब्लू और ऑरेंज, ये दो कलर वेरिएंट्स में मिलता है। यहाँ पे लिखा है इसका बेस प्राइस जो कि है 266 रुपीज़, और यहाँ पे उसका अमाउंट फाइनल अमाउंट जो है 298.69 पैसे। सो आप देख सकते हो, मैंने 298.69 पैसे उनको पे किए है और मुझे मिला है ये स्मार्टफोन। तो बॉक्स के आगे की तरफ लिखा है डिटेल, यहाँ पे नीचे लिखा है रियल फ्रीडम और नीचे लिखा है लो कर लो बात। यहाँ पे दो लैंग्वेजेस आपको देखने मिलती है जो कि इंग्लिश और हिंदी। FM रेडियो मिलता है और आपको यहाँ पे मिलता है स्पीकर वाइब्रेशन, और साइड में आपको देखने मिलता है डिटेल D1, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक और ये बार कोड। यहाँ पे आपको देखने मिलता है उसका IMEI नंबर, और यहाँ पे दो कलर वेरिएंट्स है पर अंदर कौन सा है ये कंफर्म नहीं है। साइड में आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलती है जिसमें आपको कैसे सिम इंसर्ट करना है वो बताया जाता है, और यहाँ पे देखने मिलता है आपको SAR वैल्यू, यहाँ पे मॉडल नंबर, एड्रेस, बॉक्स डायमेंशन, उसका MRP। दोस्तों, यहाँ पे MRP मेंशनड है 699 रुपीज़, बट ये आपको वेबसाइट पे 300 के अंदर मिल जाएगा। ये साइड में भी बाकी कुछ नहीं है। बॉक्स के पीछे की तरफ जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेक इन इंडिया का लोगो दिखाई देता है, और यहाँ पे कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जैसे मोनोक्रोम डिस्प्ले जो कि है 3.6 सेंटीमीटर, सिंगल सिम, टॉर्च लाइट, फ़ोन बुक, FM रेडियो, SMS और स्पीकर वाइब्रेटर। तो चलिए इसे ओपन अप करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसका सील ओपन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसका सील ओपन किया, अंदर मुझे देखने मिलता है ये फ़ोन जो है डिटेल फ़ोन। तो मैं इसे साइड में रखता हूँ। बॉक्स के अंदर हमें और क्या देखने मिलता है, तो बॉक्स में हमें देखने मिलता है ये चार्जर, जो एक नॉर्मल चार्जर है, नोकिया टाइप चार्जर जो आपको मिलता है यहाँ पे देखने, और उसके अंदर आपको देखने मिलती है ये बैटरी। तो मैं इसे ओपन अप करके दिखाता हूँ। बैटरी है और इसके ऊपर मेंशन है ये 650 mAh का बैटरी है, और बॉक्स में आपको देखने मिलता है ये वारंटी कार्ड। बाकी बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, ये है हमारा फ़ोन जो है डिटेल D1। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हैंडी है, सेम नोकिया फ़ोन जैसे है, बहुत ही टेक्टाइल बटन से इसके। तो हम लोग इसके अंदर बैटरी इंसर्ट करते हैं। तो आगे वाले तरफ आपको मिलता है ये डिस्प्ले और ये बटन्स। लेफ़्ट साइड में आपको कुछ भी देखने नहीं मिलता है। राइट साइड में आपको मिलता है ये चार्जिंग पोर्ट, और उसके ऊपर वाली तरफ आपको मिलता है एक हेडफोन जैक और एक टॉर्च लाइट। नीचे वाली तरफ आपको एक माइक्रोफोन दिखाई देता है, और यहाँ पे आपको स्ट्रिंग अटैच करने के लिए कुछ सॉकेट दिए गए हैं। तो आइए करते इसे पावर ऑन। तो दोस्तों, ये पावर ऑन हो चुका है। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे है इंसर्ट सिम का ऑप्शन आया है, तो मैं सिम इंसर्ट करके देखता हूँ इसमें। तो दोस्तों, इसमें मैंने सिम इंसर्ट किया है, और जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे एयरटेल नेटवर्क आया है, फुल रेंज है। यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन मिलता है, तो जैसे मैं मेन्यू में जाता हूँ, मुझे मिलता है मैसेजेस, फ़ोन बुक, कॉल रजिस्टर, सेटिंग्स, क्लॉक, रेडियो, गेम्स, एक्स्ट्राज। तो एक्स्ट्राज में मुझे देखने मिलता है कैलकुलेटर, काउंटडाउन टाइमर, स्टॉपवॉच, कैलेंडर, फ्लैशलाइट, कैलकुलेटर। सो देखते हैं इसका फ्लैशलाइट कैसे काम करता है।
तो जैसे आप देख सकते हो, काफ़ी किफ़ायती फ्लैशलाइट है, आपको यहाँ पे देखने मिलता है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। और ये इतना भी कुछ अच्छा फ्लैशलाइट नहीं है, पर दोस्तों 250 रुपये के फ़ोन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा फ्लैशलाइट है जो आपको यहाँ पे देखने मिलता है। तो हम करते हैं फ्लैशलाइट को ऑफ। गेम्स में हमें देखने मिलता है ट्रेडिशनल स्नेक गेम, बस और कोई गेम यहाँ पे नहीं देखने मिलता है। तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, काफ़ी किफ़ायती फ़ोन है, आप इसे इजीली ग्रिप करके होल्ड कर सकते हो। और 250 रुपीज़ में दोस्तों ये सेकेंडरी फ़ोन के लिए बहुत ही बढ़िया है। हमने इसकी कॉल टेस्ट भी की, बहुत ही अच्छा साउंड है इसका और बिल्ड क्वालिटी भी इस फ़ोन की बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों जैसे ही आपने इसका अनबॉक्सिंग देखा, काफ़ी किफ़ायती फ़ोन है, हमें पुराने नोकिया फ़ोन्स की याद दिलाता है और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी जैसे आप देख सकते हो। और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट फ़ोन है, मेरी मुट्ठी में पूरी तरीके से बैठ जाता है। इसमें बहुत सारे फीचर्स है जैसे फ्लैशलाइट है, वाइब्रेशन स्पीकर है मेन, मतलब जो इतने कम रेंज के फ़ोन में नहीं मिलता है। FM रेडियो आपको यहाँ पे देखने मिलता है और काफ़ी अच्छा फ़ोन है अगर आप सेकेंडरी फ़ोन की तौर पे यूज़ करना चाहते हो तो। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। और ऐसी टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।